एवरीवन, आज है हनुमान जयंती और मैंने सोचा चलो क्यों ना मंदिर घूमाएं। तो चलते हैं मंदिर दर्शन करने की तरफ। सबसे पहले मैं होती हूँ रेडी, तो मैंने किया फेस वॉश। अपने फेस को बहुत गंदा था, डर्टी था फेस, बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी और मेरे बच्चे ने अपना खाना खा खा के मैं मुँह गंदा किया हुआ था। फिर हम करते हैं थोड़ा सा टॉवल ड्राई, टॉवल से फेस को ड्राई करते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे। वाओ, मॉइस्चराइजर करना जरूरी है फेस पे, नहीं तो स्किन बहुत ड्राई ड्राई लगती है। जब तक मॉइस्चराइजर नहीं होगा स्किन पर तो डर्टी लगता है। ओके, फिर चलते हैं, अपना मॉइस्चराइजर किया। मॉइस्चराइजर करके थोड़ा सा मेरा बच्चा परेशान कर रहा था तो मेरी बहन ने उसको संभाला। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा बचा हुआ है मॉइस्चराइजर, थोड़ा हाथ पे क्यों ना लगा लिया जाए, वेस्ट क्यों करें, कंजूस की भी खानी चाहिए ना थोड़ी बहुत। अब चलते हैं अपना, सबसे पहले मैंने सोचा फाउंडेशन तो नहीं, डेली डेली फाउंडेशन नहीं यूज़ करते, तो मैंने यूज़ किया बीबी क्रीम। वाओ, बीबी क्रीम यानी कि आपका टेक्स्चर जो है फेस पे जो फाउंडेशन के हिसाब से दिया जाता है, तो हमने लगाया बीबी क्रीम। बीबी क्रीम को थोड़ा डाप डाप किया, फिंगर से किया, फिर सोचा कि फिंगर से अगर करेंगे तो थोड़ा पपड़ी पपड़ी सी आ जाती है फेस पे, तो थोड़ा सा हाथ से रफ किया। हाथ से रफ करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा स्पॉन्ज, स्पॉन्ज करते हैं तो जिससे बीबी क्रीम स्किन पे मैच करेगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, अच्छे से रिफ्लेक्शन देगा। वाओ, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, ब्रो यानी कि आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं आईब्रो बनाने की। बिकॉज मैं नहीं बनाती हूँ तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बनाया थोड़ी सी ब्रो, आईब्रो बनाई थोड़ा थोड़ा, बस बस बस, बहुत शेप थी। अब मेरा इम्पॉर्टेंट पार्ट लिपस्टिक, बना तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती, तो लिपस्टिक ज़रूरी है। वाओ, तो मैंने ये किया लिपस्टिक का, सबसे पहले आउटलाइन, राइट, आउटलाइन करेंगे तभी हमारी लिपस्टिक का अच्छा सा कलर आता है, अच्छा सा लगता है लिप्स हमारा। तो फिर मैंने किया उसको फिल, फिल किया, फिर टैप 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 किया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद लिपस्टिक डन। वाओ, अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, लगाते हैं लिपस्टिक थोड़ी सी अच्छे से लगाई। लगाने के बाद हम थोड़ा सा चेक करेंगे अच्छे से लगी है कि नहीं लगी है। नेक्स्ट स्टेप बिंदी, और बिंदी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ, बिकॉज आफ्टर मैरिज विदाउट बिंदी नॉट गुड। देन उसके बाद थोड़ा सा सोचा कि चलो ब्रो पेंसिल से ही आई लाइनर को लगा लिया जाए, जो मैं नहीं लगाती, मुझे मेकअप कम पसंद है, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा लगेगा लुक। आई लाइनर डन, लास्ट हाइलाइटर। वाओ, हाइलाइटर से क्या है, हमारा फेस बहुत अच्छा लगता है, हाइलाइट होते हैं हमारे पार्ट्स, फीचर्स खिल के आते हैं, इसलिए हमारा हाइलाइट लगाना ज़रूरी है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने सोचा ब्रो बॉन्स के नीचे भी लगाया जाए और थोड़ा अपर लिप साइड पे भी, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा ब्लश भी कर लिया जाए, चलिए थोड़ा सा ब्लश लगाते हैं। मैंने दोनों चिक्स पे लगाया ब्लश, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तब मैं पार्टी में जाती हूँ तभी लगाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लश लगाते हैं। अब चलते हैं फाइनल लुक रेडी होने के लिए। ये है मेरा फाइनल लुक, राइट, ये मेरा फाइनल लुक है। जो सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो मैंने सोचा मंदिर जाना है तो डेफिनेटली सूट पहन के जाना चाहिए। वाओ, बताइए आप कैसे लगता है।